आप देख सकते हैं कि हमारा 99% जर्मिनेशन हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट के माध्यम से बोला कि कोकोपीट और प्रोटे में कैसे नर्सरी तैयार करें, इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाइए। इसलिए आज हम इस वीडियो में कोकोपीट के माध्यम से प्रो ट्रे में कैसे नर्सरी तैयार करें, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्यतः इन तीन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर वन, प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से नर्सरी लगाने के फायदे। नंबर टू, प्रो ट्रे में नर्सरी लगाने की उचित विधि। नंबर थ्री, परंपरागत छिड़कन विधि और प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने की विधि की तुलना करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि बेहतर है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बिना अधिक समय नष्ट किए बात करते हैं कि कोकोपीट के माध्यम से नर्सरी तैयार करने के क्या क्या फायदे हैं। इसका पहला फायदा तो यह है कि कोकोपीट में पानी को सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है। इससे यह पौधे को सूखने नहीं देता और एक्स्ट्रा पानी को निकाल देता है। इसके साथ ही कोकोपीट में पानी डालने पर कम या ज्यादा पानी की स्थिति में यह पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरा फायदा यह है कि कोकोपीट मिट्टी की तुलना में काफी हल्का होता है। इसके कारण जड़ों का विकास काफी आसानी से होता है और हमारे पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। यही कारण है कि हम प्रो ट्रे में कोकोपीट का चुनाव करते हैं मिट्टी की जगह। इसके साथ ही कोकोपीट में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। इसके साथ ही कोकोपीट का पीएच लेवल 5.7 से 6.5 के आसपास होता है, यानी कि यह हर तरह की फसल के लिए उपयुक्त है। और तो और कोकोपीट 100% ऑर्गेनिक है, तो यह पर्यावरण और हमारे लिए सुरक्षित है। ये सारे फायदे हमें कोकोपीट के माध्यम से मिलते हैं, इसलिए हम प्रो ट्रे में कोकोपीट का चुनाव करते हैं मिट्टी की जगह। अब जानते हैं कि कोकोपीट के माध्यम से प्रो ट्रे में नर्सरी कैसे तैयार करें। इसके लिए हमें यह चार सामग्री लगी। पहला कोकोपीट केक, दूसरा वर्मी कंपोस्ट, तीसरा पेरालाइट, चौथा प्रोट्रे 104 होल वाली। सबसे पहले हम इस कोकोपीट केक को टब में डाल देंगे और इस पर पानी डालकर पूरा टब पानी से भर दें। 2 से 3 घंटे में यह पूरा पानी सोखकर अपने साइज को 2 से 3 गुना कर लेगा। इसमें जब तक पानी डालते रहे जब तक यह पानी सोखता रहे। इसके बाद में आप कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा पानी निकालकर इसे फैला दे, ताकि कोकोपीट में से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और हम इसका उपयोग बीज बोने के लिए कर सके। यह 1 केजी कोकोपीट केक पानी मिलाने के बाद में 5 केजी के आसपास हो जाता है। 5 किलो कोकोपीट में 1 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 किलो पेरालाइट मिलाकर कुछ इस तरह से अच्छे से मिला दे। 2 से 3 बार इधर उधर पलटा कर इसे मिला दे। अब हम इस मिश्रण को प्रो ट्रे में डालेंगे। आप 104 होल वाली प्रो ट्रे यूज कर सकते हैं, इसमें छेद जरूर होना चाहिए। कुछ इस तरह से प्रो ट्रे में इस मिश्रण को फैला दें। अब हम इसमें बीज डालेंगे। आप उंगली की सहायता से 1/2 इंच से भी कम होल बनाकर इस होल के सेंटर में बीज डाल दें, कुछ इस तरह से। जब सारे बीज डाल दे तब आप फिर से कोकोपीट के मिश्रण को कुछ इस तरह से डाल दे और एक्स्ट्रा कोकोपीट हटा दे। जब आपकी सारे ही ट्रे की सीडलिंग हो जाए तब इन प्रो ट्रे को ऐसी जगह पर रखें जहां से सूर्य का प्रकाश छनके आता हो,
सीधा सूर्य का प्रकाश ना आता। आप बीज बोने की प्रक्रिया सुबह या शाम के समय ही करें। बीज बोने के बाद में आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। 3 दिन के बाद ही बीज का जर्मिनेशन होने लगेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा 99% जर्मिनेशन हुआ है, जो कि सिर्फ हमें प्रो ट्रे के माध्यम से ही मिलता है। अब हम इन दोनों विधियों की तुलना करते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से नर्सरी तैयार करने पर 99% जर्मिनेशन हुआ था। वहीं हमने परंपरागत छिड़कन विधि से भी फूल गोभी की नर्सरी लगाई थी, जिसका जर्मिनेशन हमें 60% के आसपास मिला है। इसका मतलब अगर आप 1 एकड़ के लिए फूलगोभी की नर्सरी तैयार करते हैं तो सामान्य छिड़कन विधि से आपको बीज की मात्रा लगेगी 300 ग्राम, तो आपका बीज का खर्च आएगा 9,000 रुपये। वहीं अगर आप प्रो ट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करते हैं तो बीज की मात्रा लगेगी 200 ग्राम, तो आपका बीज का खर्च आएगा 6,000 रुपये। यानी कि अगर हम प्रो ट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारे 3,000 रुपये की बचत होती। यह बचत हमारी सिर्फ बीज के खर्च की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रो ट्रे में पौधे की ग्रोथ एक जैसी है, वहीं सामान्य छिड़कन विधि में हमने नर्सरी तैयार करी थी, इसमें हमारे कुछ पौधों की ग्रोथ अच्छी हुई व कुछ पौधों की ग्रोथ कम हुई। प्रो ट्रे में जब हम पौधों को तैयार करते हैं तो इनका ट्रांसप्लांट खेत में करते समय पौधे की जड़ों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं जब हम सामान्य छिड़कन विधि से पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे 20% पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। यानी कि सामान्य छिड़कन विधि में हमारे 20% पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से रख सकते हैं। अगर आपके मौसम खराब है और पानी ज़्यादा गिर रहा है तो आप प्रो ट्रे को उठाकर आसानी से सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, और वहीं अगर ठंड के मौसम में पाले से बचाने के लिए भी आप प्रो ट्रे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठंड से बचा सकते हैं। पर सामान्य छिड़कन विधि में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा तंबू लगाकर उसे सुरक्षित कर सकते हैं। प्रो ट्रे में हम ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन, टमाटर, पपीता इनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई सारी फसलों की नर्सरी प्रो ट्रे में तैयार कर सकते हैं। इसलिए कोकोपीट के माध्यम से प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करना हमारे लिए फायदे का सौदा है, और यह सभी तरह से नर्सरी तैयार करने की सबसे उत्तम विधि है। आप कोकोपीट, पेरालाइट, वर्मी कंपोस्ट और प्रोट्रे को मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान, जय किसान।